जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे किचन यानी आपके रसोई घर की वास्तु दशा और दिशा के बारे में, और जानेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वास्तु टिप्स जो आपकी रसोई को माँ अन्नपूर्णा का भंडार जैसा दिव्य और सदैव बरकत भरा बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही टिप्स की बात करते हैं, और आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आपकी रसोई कितने पॉइंट्स पर एकदम सही है। सबसे पहली चीज है आपकी रसोई किधर यानी घर के किस स्थान पर बनी है। तो रसोई के लिए सबसे उत्तम जगह है दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में बनी हुई रसोई ही वास्तु सम्मत है। इसके अतिरिक्त यह पूर्व में भी हो सकती है। रसोई में खाना बनाने वाले का मुँह हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही अगर रसोई में ही सिंक बना हुआ है तो वो रसोई के उत्तर पूर्व वाले कोण में हो तो श्रेष्ठ है। आग्नेय कोण में चूल्हा या स्टोव ही रखे। रसोई का प्लेटफार्म ग्रेनाइट से बना है तो लाल ग्रेनाइट का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है। रसोई सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रसोई के जस्ट ऊपर आग्नेय कोण में पानी का टैंक या पानी से संबंधित स्टोरेज जैसी चीजें न हो तो बेहतर है। दोस्तों कभी भूलना मत कि रसोई के सिंक में जूठे पड़े बर्तन दरिद्रता को बुलावा देते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपकी रसोई का चूल्हा गंदा नहीं रहे और न ही उस पर कोई जूठन वाला बर्तन कभी भी न रखा हुआ हो। रसोई में आप लाल कलर के फ्लावर वाले छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। रसोई में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न रखे, जैसे खराब पड़ा पुराना मिक्सर या कोई खराब ओवन। रसोई घर मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, ऐसा होना समृद्धि कारक नहीं माना जाता है। दोस्तों रसोई घर के बिल्कुल पास सटे हुए अटैच्ड टॉयलेट या बाथरूम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है, बस वास्तु इसको सिद्धांत आधारित मानता है। गैस स्टोव या चूल्हा फ्रिज या सिंक से सटा कर न रखे। एक बात और, खाना बनाते समय पीठ दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों रसोई में काम करना जितना सहज और आसान होगा वह उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वास्तु के सिद्धांत जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि संघर्ष में गिरने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम बिना वक्त खराब किए सीधे शब्दों में आपको वास्तु टिप्स देते हैं, वो भी बिना किसी लाग लपेट के और एकदम आसान भाषा में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए आपकी रसोई कितने पॉइंट्स से सही है और आप क्या सही करना चाहेंगे। लाइक करके अपना प्रेम जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, राधे राधे कहिए और आनंद में रहिए।